कोई भी सॉफ्टवेयर एंड कोई भी डेटा को आपका पीसी से डिलीट किए बिना आप कैसे विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अपग्रेड कर सकते हो। अभी विंडोज 7 पे बहुत सारा कुछ इशू आ रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर विंडोज 7 पे सपोर्ट ही नहीं कर रहे, या हो सकता है कि वहाँ पर ब्लू स्क्रीन दिखा रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते जाओ यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अपग्रेड करना है। मगर यहाँ पर आपके पास आपका पीसी में बहुत सारा सॉफ्टवेयर हो सकता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, ये सारा कुछ डिलीट किए बिना आपको विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अपग्रेड करना है। तो कैसे, सारा कुछ प्रोसेस में यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हो मैं मेरा विंडोज 7 डेस्कटॉप में आ गया। अभी यहाँ पर इस डेस्कटॉप में विंडोज 7 चल रहा है, मुझे यहाँ पर विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अपग्रेड करना है कोई भी सॉफ्टवेयर को डिलीट किए बिना। देखो यहाँ पर पीसी का कॉन्फिगरेशन मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। विंडोज 7 होम प्रीमियम वर्जन देखो यहाँ पर, और i3 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर और 4GB रैम है, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो विंडोज एक्टिव है। मगर यहाँ पर मुझे विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अपग्रेड करना है, क्योंकि विंडोज 7 पे बहुत सा कुछ इशू आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा, देखो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर लिखना होगा विंडोज 10 ISO डाउनलोड, कोई भी सॉफ्टवेयर या डाटा को डिलीट किए बिना मुझे करना होगा ये सब कुछ। तो यहाँ पर ISO डाउनलोड देखो यहाँ पर क्लिक करिए, उसके बाद देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का साइट से मुझे यहाँ पर सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट का साइट से चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का साइट, यहाँ पर ISO फाइल को मुझे डाउनलोड करना होगा। और मीडिया क्रिएशन टूल्स फर्स्ट डाउनलोड होगा, देखो यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स से मुझे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जितना सा सॉफ्टवेयर है ये मुझे डिलीट यही करना होगा, तो इसलिए मुझे मीडिया क्रिएशन टूल से डाउनलोड करना होगा। देखो यहाँ पर डेस्कटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है, ये सब कुछ मुझे डिलीट नहीं करना होगा और मुझे विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अपग्रेड करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स को डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पर क्लिक किया और मीडिया क्रिएशन टूल्स डाउनलोड हो गया पूरी तरह से। उसके बाद मुझे क्या कुछ करना होगा मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। मीडिया क्रिएशन टूल्स को मैं डेस्कटॉप में ले लेता हूँ, अच्छे से देख सकते हो डेस्कटॉप में ले लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स को राइटर एडमिनिस्ट्रेटर करके रन करना होगा। मगर यहाँ पर एक दिक्कत आता है, बहुत सारे पीसी में मीडिया क्रिएशन टूल्स रन नहीं होता है, यहाँ पर एरर मैसेज दिखाता है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट कर दिया क्या कुछ करना होगा एरर मैसेज अगर दिखाता है, तो वो वीडियो का लिंक इस वीडियो का आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो पहले देख लेना अगर मीडिया क्रिएशन टूल्स में एरर मैसेज दिखाता है तो। उसके बाद ये सारा कुछ प्रोसेस करना, देखो यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके उसको रन करना होगा। देखो यहाँ पर और मीडिया क्रिएशन टूल्स राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अगर दिक्कत आता है तो वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर कैसे करके आ जाएगा, देखो यहाँ पर येस बोलता है तो येस कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स आ रहा है, देखो यहाँ पर ए इंटरफेस नहीं आएगा, ये जो पेज आ रहा है अगर नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट कर दिया, आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एक्सेप्ट, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ, और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ नहीं करना होगा, बहुत सारा कुछ प्रोसेस होगा। अपग्रेड मुझे यहाँ पर ये पीसी को अपग्रेड करना है, मुझे ISO फाइल डाउनलोड, देखो यहाँ पर ISO फाइल डाउनलोड, देखो यहाँ पर ऐसे करके आप ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हो, मगर मुझे यहाँ पर पीसी को सिर्फ अपग्रेड करना है विंडोज 10 पे। देखो यहाँ पर इसके लिए मैं अपग्रेड सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रोग्रेस आ रहा है, बहुत सारा कुछ ऑटोमेटिकली सारा कुछ होगा, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, आपका पीसी सारा कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस यहाँ पर एक देखो यहाँ पर एक प्रोसेस आएगा, मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ, मैं वीडियो को बहुत फास्ट कर दिया। उसके बाद अभी चल रहा है यहाँ पर प्रोसेसिंग, आपका पीसी यही अपडेट होगा, बहुत सारा कुछ होगा। देखो यहाँ पर ये सारा कुछ करने के लिए 2 आवर्स लग जाएगा, हो सकता है। देखो अभी हो रहा है प्रोसेस, अभी चल रहा है और अच्छे से देख सकते हो। तो अभी एक यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, देख लो पहले यहाँ पर है कि नहीं। देखो यहाँ पर एवरीथिंग कीप एवरीथिंग एज इट इज़, देखो यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज देख सकते हो, कीप माय पर्सनल फाइल एंड एप्स सारा कुछ रखना होगा, मुझे कुछ नहीं डिलीट करना होगा, ये ऐप सिलेक्टेड है कि नहीं पहले देख लेना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना, और नेक्स्ट करने के बाद बहुत सारा कुछ प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिकली सारा कुछ होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट बोल रहे हैं, हो गया सारा कुछ। उसके बाद इंस्टॉलिंग हो रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा पीसी रजिस्टर्ड होगा, मैं यहाँ पर बाहर से देखने का कोशिश करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहा है मेरा पीसी, अभी मैं बाहर से देखने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऐसा करके मेरा पीसी अपडेट होगा और 100% होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा पीसी, देखो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सेप्ट करने के बाद ही मेरा पीसी ऑटोमेटिकली विंडोज 10 पे आ गया। देखो यहाँ पर विंडोज 10 पे आ गया, जो कुछ था मेरा पीसी में सारा कुछ सही है। मैं यहाँ पर विंडोज फोटोशॉप भी है, यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स जो मैं डाउनलोड किया, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स जो मैं डाउनलोड किया वो भी है, यहाँ पर जो कुछ जहाँ पर था वहीं पर है, मेरा विंडोज 7 से विंडोज 10 पे आ गया। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन हो रहा है कि नहीं सॉफ्टवेयर जो है मेरा। देखो यहाँ पर फोटोशॉप को मैं क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आसानी से ओपन हो गया। कोई भी सॉफ्टवेयर विंडोज 7 से विंडोज 10 पे आप वहाँ पर ट्रांसफर करके
उसको रन भी कर सकते हो आसानी से। और उसके बाद में यहाँ पर देखने का कोशिश, देखो देखो यहाँ पर फोटोशॉप, देखो यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर राइट क्लिक दिस पीसी और प्रॉपर्टीज में जाकर मैं यहाँ पर इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन देखने का कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर i3 सेकेंड जनरेशन 4GB रैम यहाँ पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो यहाँ पर विंडोज 10 होम पूरी तरह से आ गया 2H2। पहले था विंडोज 7 होम प्रीमियम, उसके बाद विंडोज 10 होम ऑटोमेटिकली आ गया। मैं पूरी तरह से विंडोज 7 पीसी से विंडोज 10 पे अपग्रेड कर लिया। कोई भी सॉफ्टवेयर या किसी भी फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट्स को डिलीट किए बिना, तो इसी प्रोसेस से आप यहाँ पर आपका विंडोज 7 पीसी को विंडोज 10 पे अपग्रेड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज भी यहाँ पर दिखाने का कोशिश की कि आप कैसे आपका विंडोज 7 पीसी को विंडोज 10 पे अपग्रेड कर सकते हो कोई भी सॉफ्टवेयर डेटा डिलीट किए बिना। तो इसके लिए आपको क्या कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।